हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज स्टडी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। ज्योग्राफी में बेटी आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की प्रमुख झीलें। बेटी, ये झील क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो झील होती है, जब ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है, जो क्रेटर बोले तो उसका जो मुख होता है, उस मुख में बेटी जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है, जैसे हमने ज्वालामुखी के तीन पार्ट पढ़े थे, एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी, एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी और इस तरीका से। तो बेटी, ये जो शांत ज्वालामुखी वगैरह जो होती है, उसका जो क्रेटर वाला जो भाग होता है, क्रेटर बोले तो उसका जो मुख होता है ज्वालामुखी का, जब बेटी जब ज्वालामुखी बंद हो जाती है तो फिर उसमें जब पानी वानी भर जाता है उसके क्रेटर वाले उसके जो क्षेत्र में, तो बेटी वो झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? झील का निर्माण करती है। तो बेटी, हमारी भारत में कुछ झीलें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मणिपुर में झील है। कौन से में है? यहाँ बेटी एक मणिपुर स्थान है। इस मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है छोटे इसका? लोकटक झील। बेटी, ये लोकटक झील एकमात्र ऐसी झील है विश्व की तो ये तैरती झील है। कैसी है छोटे? तैरती झील है। कैसी झील है छोटे? तैरती झील है। बेटी, एक्चुअली में क्या है, इसमें एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, वो घास तैरती रहती है, तो हम ये आकलन लगा लेते हैं कि झील भी तैर रही है। इस तरीका से आप लोग याद रखें। तो मणिपुर में कौन सी झील हो गई? लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। अब बात करते हैं छोटे, यहां पर है तेरा उड़ीसा है। यहां पर क्या है? उड़ीसा है। तो इस उड़ीसा में बेटी, इस उड़ीसा के अंदर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सी झील है छोटे? चिल्का झील। चिल्का झील बेटी खारे पानी की झील है। कैसे पानी की है? खारे पानी की झील है ये, खारे पानी की झील है, आप याद रखेंगे। प्लस यहां नौसेना का किसका बेटी? यहां नौसेना का जो है, नौसेना का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है बेटी? ट्रेनिंग सेंटर है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कि जो चिल्का झील वगैरह है, इसमें जो है आप लोग याद रखें, ये जो है यहाँ नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। प्लस इस झील के अंदर ये लैगून झील है। कैसी झील है? ये लैगून झील है अपने आप में। लैगून झील का मतलब बेटा वो होता है जिसकी पानी में लवणता होती है, जिसके पानी में जो है नमक की मात्रा होती है, साल्ट की मात्रा होती है, हम उसे कहते हैं लैगून झील। क्या कहते हैं छोटे? लैगून झील कहते हैं। ये महानदी, कौन सी नदी है बेटी? महानदी। ये जो महानदी है इसके मुहाने पर बनी है और ये विश्व की, और ये विश्व की सेकंड नंबर की, कौन से नंबर की? सेकेंड नंबर की एक झील है जो कि समुद्री किनारे से लगी हुई है, समुद्री किनारे से बड़ी है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि विश्व की द्वितीय नंबर की ये झील है जो कि इसका किनारा जो है समुद्र से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? समुद्र से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? समुद्र से इसकी एरिया लगी हुई है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी समुद्र के किनारे वाली झील कौन सी है। ये तुम्हारे लिए प्रश्न है छोटे, मैं देखता हूं तुम लोगों को कितनी नॉलेज है। तो उड़ीसा में बेटी चिल्का झील हो गई। इसके अंदर बेटी एक झील और होती है, इसके अंदर एक झील और होती है छोटी मोटी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। यहां पर है बेटी तेलंगाना। यहां कौन सा गाना है? तेलंगाना। तेलंगाना में बेटी दो झीलें हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। एक तो है हुसैन सागर। कौन सी सागर है? हुसैन सागर। एक तो यहाँ झील है हुसैन सागर और दूसरी झील है नागार्जुन। कौन सी है? नागार्जुन झील। कौन सी झील है छोटे? नागार्जुन झील। तो बेटी हुसैन सागर झील एक हो जाती है नागार्जुन सागर झील। कौन सी है? नागार्जुन सागर झील। एक होती है छोटे हुसैन सागर झील। ये कहाँ स्थित है बेटी? ये आपके तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटी?
हैदराबाद, हैदराबाद जो कि अपने आप में मूसी नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। यहाँ है बेटी तेरा ये वाला आंध्र प्रदेश। ये कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दो झीलें हैं, एक तो है कोलेरू झील। कौन सी है? कोलेरू झील। बेटी आप मैप से तो परिचित हो गए होंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, तो कोलेरू झील। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एपी। एपी बोले तो आंध्र प्रदेश। बेटी शॉर्ट में पढ़ेंगे, कम समय में अधिक नॉलेज। तो कोलेरू झील कहाँ पर है? ये उड़ी उसमें है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है बेटी? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है छोटे? आंध्र प्रदेश में। बेटी यहाँ एक झील और है, यहाँ से स्टार्ट होता है तेरा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और इसकी सीमा रेखा पर एक झील बनी गई है, इस झील का नाम है। देखो यहाँ एक तो हो जाता है आंध्र प्रदेश, एक हो जाता है तमिलनाडु। इसके तट पर पुलिकट झील है। कौन सी छोटे? पुलिकट झील। कौन सी झील है छोटे? पुलिकट झील। ये बेटी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में स्थित है, इस बात को आप लोग भूलना मत। कौन सी झील है? पुलिकट झील। इसी पर बेटी चेन्नई शहर स्थित है। ये जो चेन्नई शहर है ये यही स्थित है। और छोटे यहाँ पर एक श्री हरिकोटा द्वीप है। कौन सा कोटा द्वीप है? श्री हरिकोटा द्वीप। लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, श्री हरिकोटा द्वीप। ये जो हरिकोटा जो द्वीप है, इस द्वीप पर सतीश धवन। कौन सा धवन? सतीश धवन। सतीश, अच्छा लिखते हैं थोड़ा सा, सतीश धवन। कौन सा धवन है? सतीश धवन। सतीश धवन जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, ये वाला हमारा जो श्री हरिकोटा वाला होता है, यहाँ से हम जो है मिसाइल वगैरह का परीक्षण करते हैं, वो वही हरिकोटा है बेटी, याद रखें। ये पुलिकट झील पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है छोटे? पुलिकट पर स्थित है। बेटी ये जो तमिलनाडु है इसमें बेटी दो झीलें हैं, एक तो झील यहाँ पर है, इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है कालीवेली झील। क्या नाम है इसका? कालीवेली झील। कौन सी झील है? कालीवेली झील। और यहाँ एक और झील है बेटी, ये जो कालीवेली जो झील है ये अपने आप में तमिलनाडु की सबसे जो है विख्यात झील है। इसमें से बहुत सारे खनिज वगैरह निकाले जाते हैं। एक हो जाती है बेटी कोडाइनकल झील। कौन सी है? कोडाइनकल झील। कौन सी झील है? कोडाइनकल झील। ये कहाँ स्थित है बेटी? ये तेरी ये तमिलनाडु में। किसमें बेटी? तमिलनाडु। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में स्थित है। बेटी थोड़ा सा देख लिया करो कहाँ से कैसे काम चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी चीज है अपने आप में। अब बात करते हैं यहाँ की, ये कौन सा है? केरल है। केरल से तो आप लोग परिचित होंगे। केरल में बेटी एक झील काफी प्रसिद्ध है, इसका नाम है बेवनांद झील। क्या नाम है इसका? यहाँ एक झील है जिसका नाम है छोटे बेम्बीनाद झील। क्या नाम है इसका? बेम्बीनाद झील है, जो कि कहाँ स्थित है? ये तेरी केरल में स्थित है। कहाँ है छोटे? केरल में है। एक झील और हो जाती है बेटी अष्टमुदी झील। यहाँ है अष्टमुदी झील। कौन सी है? अष्टमुदी झील। बेटी बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टमुदी झील, बेवनांद झील। ये जो अष्टमुदी जो झील है ये अपने आप में थोड़ी सी लैगून झील है। ये कैसी झील है अपने आप में? एक लैगून झील है। कैसी झील है बेटी ये अपने आप में? ये लैगून झील है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के अंदर दो तीन झीलें ऐसी जो लैगून है, जैसे कि चिल्का झील, एक हो जाती है सावर झील राजस्थान वाली, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे बेटी, वो उदयपुर वगैरह में है। ऐसे करके केरल वाली हो जाती है बेवनांद झील, एक हो जाती अष्टमुदी झील। और इसी वजह से इन झीलों को, ये जो केरल वाली जो झील है इनको बेटी एक समूह का नाम दिया गया है, इनको कहते हैं कयाद झील। क्या कहते हैं छोटे? कयाद झील। इसका एक स्पेशली नाम दिया गया है ज्योग्राफी के अंदर, कयाद झील। तो कयाद झील अगर तुम्हें पूछता है कि भारत की दो कयाद झीलों के नाम बताइए, एक तुम्हें बताना पड़ेगा बेवनांद झील और एक बतानी पड़ेगी छोटे अष्टमुदी झील। कौन सी झील? अष्टमुदी झील। और दूसरी कौन सी है भैया? बेवनांद झील। कौन सी है? बेवनांद झील। बेटी बेबी से याद रखना,
बाबू वगैरह से याद रखना इस चीज को। ये कयाल झील हो जाती है, कौन सी? दोनों। कौन कौन सी है? एक तो बेबी नाम दे भैया, और एक कौन सी वाली है? एक है तेरी अष्टमुदी। कौन सी मुदी? अष्टमुदी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते बेटी, महाराष्ट्र में चलते हैं। कहाँ चलते हैं छोटे? महाराष्ट्र के अंदर चलते बेटी। ये जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वो हमारा यहाँ से लगा हुआ है। इस महाराष्ट्र के अंदर बेटी यहाँ एक झील है, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। इस झील का नाम है, इस झील के बारे में थोड़ा सा पढ़ते बेटी। ये जो झील है, ये वाली जो है, यहाँ एक झील स्थित है, उस झील का नाम है लोनार झील। क्या नाम है छोटे? लोनार झील। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। लोनार झील, क्या नाम है इसका? लोनार झील। क्या नाम है इसका? लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील। ये जो लोनार झील है, ये अपने आप में बेटी उल्का पिंड से बनी है। किससे बनी है? उल्का पिंड से बनी है। याद रखेंगे, ये वही झील है जिसका हाल ही में जो कलर था वो गुलाबी जो हो गया था। गुलाबी तेरी आंखें हैं, ऐसे करके बेटी इसका जो है उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ है। और ये अपने आप में लोनार झील है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर बेटी, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर स्थित है। इस बात पर भूलना मत। एक क्वेश्चन और हो जाता है छोटे, पौवई झील। कौन सी झील है? यहाँ है बेटी पौवई झील। यहाँ कौन सी झील है? पौवई झील। बेटी यहाँ एक पौवई झील है, पौवई झील। कौन सी झील है? पौवई झील। ये बेटी जो मुंबई शहर है ना, मुंबई शहर इसी झील के तट पर स्थित है। इसी जो है यहीं पर जो है पौवई झील पर ही मुंबई शहर स्थित है। यहीं पर बेटी एक सैल सैट द्वीप है। यहीं पर क्या भैया? एक द्वीप है बेटी जिसका नाम है सैल सैट द्वीप। क्या नाम है इसका? सैल सैट द्वीप। बेटी कई बार क्वेश्चन आया है कि मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई सैल सैट द्वीप पर स्थित है। आप लोग इस बात को कभी भूलें, ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बेटी यहां बात करते हैं यूके की। यूके बोले तो आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में बेटी बहुत सारी झीलें हैं। कैसी हैं? बहुत सारी हैं, जैसे कि सात ताल। यहाँ जितने भी ताल आएंगे वो यहीं के नाम आएंगे। यहाँ एक सात ताल झील। कौन सी है? सात ताल झील। चलो बढ़िया बात। यहीं पर है एक डिडवाना झील। डिडवाना चल नहीं हो जाएगी, डिडवाना तो वहां पड़ती है। एक हो जाती है डोंडी ताल। कौन सी है? डोंडी ताल। तो डोंडी ताल भी कहां स्थित है? उत्तराखंड में है। और जो है नैनीताल, नैनीताल भी इसमें, देवताल है, खुरपाताल है। तो एक के नाम लिख लेते हैं देवताल, और एक हो जाता है खुरताल झील। या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम कहते हैं खुरपाताल झील। खुरपाताल झील ये एग्जाम में आती है बेटी कई बार। खुरपाताल झील हो जाएगी छोटे। एक हो जाएगी भीमताल। कौन सी हो जाएगी? भीमताल झील। ये भी बेटी आपके महाराष्ट्र में, उसमें यूके में। एक हो जाता है नैनीताल झील। कौन सी है? नैनीताल झील। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ये भी बेटी यूके में। और झीलें हैं छोटे इसके बारे में, और छोटी मोटी, जैसे कि डोंडीताल झील। कौन सी है? डोंडीताल झील होगी, अच्छी बात है। एक हो जाता है छोटे मालताल झील। कौन सी है बेटी? मालताल झील। यहीं पर है मालताल झील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हैं। तो बेटी इसके अंदर सातताल झील, डोंडीताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, और एक हो जाती है मालताल झील। कौन सी है छोटे? मालताल झील। बेटी जहां जहां ताल शब्द आ जाएगा तो आपको कौन सा चयन करना है? यूके का। हालांकि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है
वहां पर भी दो झीलें हैं जिनके पीछे ताल जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत सारे टीचर्स ऐसा बता देते हैं तुम लोगों को कि ताल शब्द जहां जुड़ जाएगा वो नैनीताल वगैरह उत्तराखंड की है, ये सब बकवास बात है, मैं ऐसा नहीं बता रहा तुम लोगों को, क्योंकि अभी आपका इसका प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा। जैसे कि एक हो जाती है रेणुका झील, बेटी हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं शॉर्ट में HP, तो यहाँ पर कौन सी रेणुका झील, कौन सी झील है यहाँ, यहाँ रेणुका झील है बेटी। ये जो रेणुका झील है ये जो है इसका उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा और इन सबके बॉर्डर पर स्थित है, आप लोग इसको याद रखेंगे बेटी। ये गोविंद सागर झील है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, क्या नाम है उसका, गोविंद सागर झील। ये जो गोविंद सागर झील है ना बेटी, इस पर ही बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध परियोजना, कौन सा बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, जो कि किस नदी पर है, ये है सतलज नदी पर, कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना बनी हुई है, जो कि गोविंद सागर झील बेटी ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है, ये अपने आप नहीं बनी है, ये हम लोगों ने बनाई है, तो आर्टिफिशियल है ये, कैसे छोटे आर्टिफिशियल है बेटी, ये पानी वानी को रोका गया था सतलज नदी के को, क्योंकि दिक्कत आ रही थी पंजाब वगैरह को सिंचाई वगैरह के लिए, तो अब हमने क्या किया, सतलज वगैरह का पानी रोक दिया और वहां गोविंद सागर झील बना दी, और इसको हमने भाखड़ा नागल बांध परियोजना इस पर बना दी, बहुत सारे राज्यों को सिंचाई हेतु, किसके लिए छोटे, सिंचाई हेतु। एक हो जाती है बेटी सूरज ताल, देखो यहीं पर एक झील है जिसका नाम है सूरज ताल झील, कौन सी झील है, सूरज ताल, जब मैं आपसे मना कर रहा था जहां जहां ताल आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो उत्तराखंड का होगा, ऐसा नहीं है। और एक और छोटे झील है यहां पर, उसका नाम है चंद्र ताल झील, क्या नाम है उसका, चंद्र ताल झील, उसका नाम क्या है, उसका नाम है चंद्र ताल झील। तो बेटी गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटी, भाई की बात पर थोड़ा विश्वास करो, क्योंकि यहां ताल आ गया, यहां ताल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी यहां ताल शब्द से, तो बेटी थोड़ा सा रिवाइजेशन मार देना, क्या है थोड़ा याद करने की क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रिवाइजेशन मार देना इसमें, जिससे ये चीजें क्लियर हो जाए। यहां पर है बेटी तेरा राजस्थान की एरिया, तो राजस्थान में ये जो राजस्थान है इसमें बेटी अपनी बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि एक हो जाती है डिडवाना झील, कौन सी है, एक हो जाती है डिडवाना, एक हो जाती है सागर, लिख लेते हैं बेटी को, एक का नाम है डिडवाना झील, कौन सी है, डिडवाना झील, कौन सी है, डिडवाना झील, कौन सी है, डिडवाना झील, और एक हो जाती है सावर झील, कौन सी है, सावर झील उदयपुर में है, और इसकी एक खासियत है ये लैगून झील है, कैसी झील है, ये लैगून झील है, लैगून झील बोले तो इसमें लवणता पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लवणता, मैं यहाँ पे बता चुका, लैगून झील का मतलब होता है इसमें नमक की मात्रा होती है, तो तीन झील होगी बेटी, एक चिल्का झील हो गई, एक ये वाली हो गई अष्टमुखी वाली, और एक हो गई छोटे सावर झील, कौन सी झील, सावर झील, कौन सी झील, सावर झील, यही पर है बेटी पुष्कर झील, यहीं पर है एक तेरी पुष्कर झील, कौन सी है छोटे, पुष्कर झील है, इस बात को भी आप याद रखना। तो सावर झील हो गई, एक डिडवाना झील हो गई, और जो है एक पुष्कर झील हो जाती है, कौन सी हो जाती है छोटे, एक हो जाती है राजसमंद झील, एक है पिछौला झील, इसके दो चार के नाम लिख लेती हैं, एक है राजसमंद झील, एक है बेटी पिछौला झील, कौन सी है, पिछौला झील, कौन सी झील है बेटी, पिछौला झील, कौन सी झील है छोटे, पिछौला झील, पुष्कर झील, सावर झील, डिडवाना झील, पिछौला झील, राजसमंद झील, ये सब की सब बेटी राजस्थान के अंदर स्थित हैं, किसके अंदर है छोटे, राजस्थान के अंदर। एक और है बेटी फतेह सागर झील, एक हो जाती है जैसमंद झील, एक और है बेटी फतेह सागर झील, कौन सी झील है, फतेह सागर झील, और एक और है छोटे यहाँ राजसमंद झील, राजसमंद वाली हो गई, अच्छी बात है। एक और है बेटी यहाँ पर, वैसे तो छोटी मोटी और भी हैं, लेकिन हमारे काम की कौन सी है, तो हमारे काम की हो जाती है एक नक्की झील है, कौन सी है, देवर, देवर झील है, देवर झील,
कौन सी है? देवर झील भी यहीं पर है। और एक दो के नाम और याद रख लेना, जिससे तुम्हारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और झील हो जाती है यहाँ, एक झील का नाम हो जाता है जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील, लिख लेते हैं उसको भी, जयसमंद झील। कौन सी है छोटे? जयसमंद झील। अब बात करते हैं बेटा अपने उसकी जम्मू कश्मीर की, बाकी किसी स्टेट में नहीं है, एक जम्मू कश्मीर के अंदर और है। जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर तुमने बहुत सारी झीलें पढ़ी होंगी, जैसे बुलर झील। कौन सी झील? बुलर झील। इनके नाम लिख लेते हैं बेटी, एक हो जाता है बुलर झील, ठीक है ना, एक तो बुलर झील है, एक यहाँ पर बेरी नांग झील है। कौन सी नांग झील है? बेरी नांग झील। ये बेटी कई बार आया, बेरी नांग झील से जो आपकी जो नदी वगैरह निकलती है, जैसे एक झेलम नदी निकलती है और भी बहुत सारी नदी निकलती है। एक हो जाती है छोटे डल झील। कौन सी है? डल झील। ये जो डल झील है ना, ये काफी इंपोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इसी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। एक और क्वेश्चन इसके बारे में, ये चारों तरफ चारों ओर इसके बेटी माल में क्या है? पेड़ पौधे हैं। क्या है छोटे? पेड़ पौधे। तो डल झील श्रीनगर के तट पर स्थित है और इसके चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ पेड़ पौधे उगे हुए हैं। एकमात्र झील जो डल झील है, जो श्रीनगर में स्थित है और इसके चारों क्या है बेटी? पेड़ पौधे हैं। क्या है? पेड़ पौधे हैं। क्या है छोटे? पेड़ पौधे हैं। एक हो जाती है बेटी, ये जो बुलर झील है ना, ये वाली, ये जो बुलर झील, ये बेटी मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। इस बात को भी आप अलग से मार देना रिवाइजेशन थोड़ा सा। और बेटी एक झील और हो जाती है गोखुर झील। कौन सी है? यहां लिख लेती गोखुर झील। कौन सी है? गोखुर झील। इस बात को भी आप याद रखना बेटी, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है तो यहाँ बहुत सारी झीलें स्थित होती हैं। एक और हो जाती है बेटी, एक और हो जाती है नागिन झील। कौन सी छोटे? नागिन झील। नागिन झील। कौन सी झील है बेटी? नागिन झील। ये जो नागिन झील है ना, इसकी भी एक खासियत होती है छोटे, ये जो नागिन झील है, ये बेटी अपने आप में जो है खारे पानी की थोड़ी सी झील है। और यहीं पर है छोटे शेष नांग झील। कौन सी है? शेष नांग झील। कौन सी है बेटी? शेष नांग झील भी यही स्थित है। शेष नांग झील भी यही स्थित है। शेष नांग झील भी यही स्थित है। कौन सी है? शेष नांग झील। तो बेटी इसको थोड़ा सा रिवाइजेशन मार लेना, जैसे कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मणिपुर में लोकटक झील जो कि एकमात्र विश्व की तैरती हुई झील है। उड़ीसा में चिल्का झील जो खारे पानी की झील, नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर, लैगून झील है जो कि महानदी पर बनाई गई है और ये विश्व की सेकंड नंबर की समुद्री किनारे की बड़ी झील है। इस बात को भी अलग से रिवाइजेशन मार देना। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, पुलिकट के झील के ऊपर ही चेन्नई शहर है और यहीं पर बैठी एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। और श्री हरिकोटा द्वीप पर ही भारत का प्रक्षेपण केंद्र श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर स्थित है। इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर देना। कालीवेली झील आपकी तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल झील ये भी आपकी जो है तमिलनाडु में है। एक हो जाती छोटे लोनार झील। कौन सी है? लोनार झील। ये बेटी महाराष्ट्र में है। पोवई झील महाराष्ट्र में। मुंबई शहर किस झील पर स्थित है? तो ये पोवई झील पर स्थित है, सैलसेट द्वीप पर स्थित है। अच्छी बात है बेटी। तेलंगाना में हुसैन सागर, नागार्जुन झील, अच्छी बात। केरल में अष्टमुदी झील और बेबी नाम झील, इन दोनों झीलों को कयाल झील के नाम से जानते हैं। हुसैन सागर, नागार्जुन सागर तेलंगाना, सातताल झील, डोनीताल, देवताल, खुड़ताल, मालताल और भीमताल, नैनीताल, ये आपकी उसमें उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, सूरजताल, गोविंद सागर झील, रेणुका झील और जो है इसके भाखड़ा सांकड़ा को याद रखना। राजस्थान में बेटी बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि डिडवाना, सावर झील को अलग से याद रखना क्योंकि ये खारे पानी की, ये वहाँ उदयपुर में स्थित है बेटी, है ना। एक देवर झील है, पुष्कर झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है, राजसमंद झील है। एक हो जाती है छोटे पिछौला झील। कौन सी झील? पिछौला झील। बेटी बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की,
तो गोपुर झील, नागिन झील, शेषनाग झील और जल झील, बैरी नाग झील, बुलर झील और जो है और एक दो झील हो जाती है बेटी, आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो वाली झील रह गई है जिसको आपको याद करने में दिक्कत हो रही होगी, उसको थोड़ा सा और बता देना। तो चलिए आज के लिए इतने सफिशियंट रहेगा बेटी, थोड़ा सा शेयर वेयर मार दिया करो इन चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें काफ़ी बहुत अच्छी चल रही हैं, थोड़ा सा शेयर वेयर मार दिया करो, कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट में बताया करो कि कोई कमी चल रही है तो उसको सुधारा जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके कमेंट का कि आप लोग बखूबी अपना जो है दायित्व निभाएंगे, कोई कमी होगी तो बेटी आप बताया करो जिनको सुधारा जा सके, क्योंकि हम तुम सब लोग एक फैमिली से जुड़े हुए हैं, इस फैमिली के अंदर कोई भी कैंडिडेट गलत मार्ग पर चला जाएगा तो बेटी दूसरे कैंडिडेटों का फर्ज बनता है उसको समझाने का अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हों, क्योंकि आप लोग सही हैं, मानता हूँ मैं आप लोग सही हैं, लेकिन हम तो गलत हैं ना, तो आप लोग बेटी गलत की जगह पर सही आप लोग हैं, तो आप गलत को सही से लेके आइए। तो जो भी कोई प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, जिसको अगर हम न सुधार सकें तो गारंटी हम लोगों की है। तो चलिए आज के लिए इतने सफिशियंट है, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, COVID-19 योद्धाओं का ख्याल रखना और अपने गांव में जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उसमें बेटी योगदान दें। चलिए जय हिंद जय भारत।